आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपेंस पोर्टल से स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना सिखाऊंगा। आप बिना बैंक जाए घर बैठे बिठाए 2 मिनट के अंदर अंदर अपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बैंक अकाउंट में अगर स्कॉलरशिप का पैसा आया है तो आप उस पैसे को खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है फिर नहीं। अगर आप भी करना चाहते हैं स्कॉलरशिप का पैसा चेक तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में या पीसी में गूगल को ओपन करेंगे और यहां पर सर्च बार में टाइप करेंगे PFMS। इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में ही PFMS.gov.in की ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाएगी। आपको इसी पर एक क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने PFMS पोर्टल का होम पेज आ जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ये गवर्नमेंट का पब्लिक फाइनेंशियली मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में कोई सा भी पैसा आया है तो उस पैसे को आप इस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेगा। आपको नव योर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने न्यू टैब ओपन होगी। अब यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम टाइप करेंगे। आप जिस अकाउंट का पैसा चेक करना चाहते हैं वो अकाउंट कौन सी बैंक में है उस बैंक का नाम सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो हमने यहाँ पर टाइप किया स्टेट बैंक ऑफ। इतना टाइप किया तो नीचे सजेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आ जाएगा। आपको इस लिस्ट में से ही अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। आपका कोई सा भी बैंक हो आपको इस तरीके से ही सेलेक्ट करना है। आपका बैंक का नाम जो भी है उसका थोड़ा बहुत नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो नीचे सजेशन में आपकी बैंक का नाम आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो फर्स्ट में दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इंटर अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में अपने अकाउंट नंबर टाइप करेंगे और फिर इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में दोबारा से यही अकाउंट नंबर टाइप करेंगे ताकि कन्फर्म हो सके। इसके बाद में यहाँ पर आपके कैप्चा कोड दिख रहा है, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा है, इस वेरिफिकेशन कोड वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे। ये डिटेल्स कंप्लीट फिल करने के बाद में यहाँ से सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा कि आपके किस वाले मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओटीपी फिल करने के बाद में से वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सभी पैसा आया होगा तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्कीम का नाम देखने को मिल जाएगा कि किस स्कीम के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे अकाउंट में पीएम हाउस का पैसा आया है और इससे पहले हमारे अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आया है जो आप इसके नीचे देख सकते हैं। इसका कितना पैसा आया है यहाँ पर आप अमाउंट में देखेंगे तो यहाँ पर आप सकते हो 14,000 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं और ये पैसा हमारे अकाउंट में आया या फिर नहीं यहाँ पर स्टेटस आप देखेंगे तो इस सक्सेस दिखा रखा है, यानी कि पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है। और ये पैसा किस डेट को आया है यहाँ पर आप देख सकते हो, क्रेडिट डेट भी लिखा हुआ है 3/5/2022 को हमारे अकाउंट में पैसा आया है। तो आप इस तरीके से इस पोर्टल से अपनी स्कॉलरशिप का पैसा चेक कर सकते हैं। वैसे तो इस पोर्टल से आप गवर्नमेंट के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आता है उन सभी पैसों को चेक कर सकते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप का पैसा हो या पीएम आवास का पैसा हो या नरेगा मनरेगा का पैसा हो या ई श्रम कार्ड का पैसा हो या श्रमिक कार्ड का पैसा हो या पीएम किसान का पैसा हो या बुढ़ापा पेंशन हो, गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर किए गए उन सभी पैसे को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कंडीशन है, कुछ भाई लोग यहाँ से अपना पेमेंट चेक नहीं कर पाते हैं जबकि उनके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया है। तो जो भी लोग यहाँ से अपना बैंक का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो वो पहले अपने बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक करवाए। ये NPCI क्या होता है, इससे अपने अकाउंट को लिंक कैसे किया जाता है, इसका हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देखकर अपने बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक करवा सकते हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट एक बार NPCI से लिंक हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में जो भी पेमेंट आता है उसको आप इस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। NPCI DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट के तहत आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। तो सो इस वीडियो में हमने आपको PFMS पोर्टल से स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना सिखाया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगी इस घंटी को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर ले, जिससे कि आपको आने वाले ऐसे यूजफुल वीडियो आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद।